हाय एवरीवन, सो वेलकम अगेन इन माय न्यू व्लॉग। तो देखिए, ये व्लॉग रात का है। रिसेप्शन पार्टी अटेंड करते ही हम सीधा अपने कार से पटना जंक्शन आ चुके हैं। पटना जंक्शन हम इसलिए आए हैं क्योंकि मेरे भैया, भाभी और मेरी सिस्टर, उनकी 13 तारीख की रात की टिकट है। मतलब उनका ट्रेन का टाइमिंग सुबह का 3 बजे का है, तो सीधा पार्टी अटेंड करने के बाद यहाँ आ गए हैं। और मैं प्लेटफॉर्म टिकट लेने गई थी। एक्चुअली प्लेटफॉर्म टिकट अब बहुत ज़रूरी कर दिया गया है। विदाउट कोई टिकट अब रेलवे स्टेशन पे कहीं पे भी इधर उधर नहीं बैठ सकता है, क्योंकि आपको पता है ना, चोरी डकैती इतनी हो रही है कि उस वजह से ये स्ट्रिक्टनेस बना दिया गया है। तो अब देखिए, यहाँ पे भी इतना सारा सीढ़ी मतलब चढ़ना है, तो मैं एक्सकलेटर ढूँढ रही थी उसी से सीधा पहुँच जाऊँ, पर हमारी किस्मत ऊपर चढ़ने के बाद दिखता है एस्केलेटर। मैं सोची अब चुपचाप जितना पहुंच गए अपना, चलो सीढ़ी से ही चलो, क्योंकि अब यहाँ पे रह रहे हैं तो जहाँ देखो वहीं सीढ़ी, जहाँ देखो वहीं सीढ़ी, सीढ़ी से चढ़ना उतरना यही ज़िंदगी रह गया है। तो अब देखिए, ये मेरी छोटी सिस्टर है और ये मेरी भाभी है। मैं सभी से अलविदा ले रही हूँ। सभी शादी में आए, बहुत अच्छा लगा। हम सभी ने मिल के अपनी बहन की शादी का मतलब पूरा फंक्शन कंप्लीट किया है और अपनी बहन को उसके घर बहुत अच्छे से विदा कर दिया है। तो मेरे भैया भाभी इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इनकी जॉब है और आपको पता ही है, जॉब में ज़्यादा छुट्टी होती नहीं है। सो कितना मुश्किल होता है अपनों को छोड़ के जाने में, पर क्या करें, सब अपना अपने घर बसा के चले जाते हैं। कोई रोका नहीं, बताओ क्यों पड़ा हुआ है। तो वापस जाते वक्त ये देखिए, मैं धीरे धीरे उतर रही हूँ। सीढ़ी बहुत फिसलन वाली थी और मैंने पंजाबी जूती वियर की हुई है, तो मैं ना फिसल रही थी, तो मैं तभी धीरे धीरे ही गई। और देखिए, रात का टाइम है और रात को भी ऐसा लगता है दिन है पूरा पटना जंक्शन में। चाहे आप दिन में आइए चाहे रात में आइए, ऐसा लगता है पूरा का पूरा दिन है। मेरे साथ मेरी मौसी गई थी साथ में, और क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो कार में ही बोल दिया था मैंने, रेस्ट कर लो, मैं जा रही हूँ, वहाँ से सभी को अंदर ड्रॉप करके आ जाऊँगी मैं। देखिए, मेरी मौसी ले रही है फ़ोटोज़। तो इसके साथ ही अब हमारा सफ़र एंड पे आ रहा है, क्योंकि अब हम घर पहुंच जाएंगे और रास्ते में हम सो गए, हमें पता ही नहीं चला कब हमारा घर आ गया। सो बाय बाय एवरीवन।